बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स, नदीम इकबाल ऑफिशियल अकाउंट में आप सबको खुश आमदीद। टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टीचर सेंटर्ड अप्रोच। ये रिसर्च है, किसकी रिसर्च है? ये माइकल मस्कुलो की रिसर्च है। उसने बड़ी प्यारी बात बताई थी। उसने कहा था टीचर जब भी पढ़ाएगा दो तरीकों से पढ़ाएगा, कभी कभी वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच के साथ पढ़ा सकता है और कभी कभी वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के साथ पढ़ा सकता है। वो है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। क्या होती है टीचर सेंटर्ड अप्रोच? टीचर सेंटर्ड अप्रोच में हम देखते हैं सबसे पहली बात कि वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये रिवायती सा तरीका है, पुराना सा तरीका है, शुरू से इसी तरीके से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पास की जाती हैं, क्योंकि इसमें एक्टिविटीज तो होती नहीं है, पीयर टीचिंग भी नहीं हो रही होती, तो सिर्फ टीचर ही अपने इंस्ट्रक्शन जो है वो पास करेगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को डिलीवर करेगा। इसमें टीचर का जो स्टाइल होगा वो अथॉरिटी वाला होगा, वो मुनज्जम होगा और वो जो बात कहेगा और बच्चे वैसे ही करना शुरू कर देंगे। टीचर एक्सपर्ट भी होगा इसमें, टीचर के पास मैक्सिमम नॉलेज होगा, उसके पास मैक्सिमम स्किल होगी। तो जब वो टीचर डिलीवर नॉलेज करेगा जब, तो बच्चे डेफिनेटली उसको एज वेल एज रिसीव कर रहे होंगे। नॉलेज देता जाएगा और बच्चे उसे रिसीव करते रहेंगे। रिजिड रो ऑफ डेस्क, इसमें ऑलरेडी जो सीट्स हैं बच्चों की वो असाइन कर दी जाती हैं कि आपने यहाँ बैठना है और आपने यहाँ बैठना है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें एक्टिविटीज चूंकि नहीं होती तो स्पेस एक्स्ट्रा नहीं होती इसमें, ठीक है। क्रैमिंग एंड रिकॉलिंग, इसमें बच्चे क्रैमिंग भी करते हैं और बार बार रिवाइज भी कर रहे होते हैं, रिकॉलिंग भी कर रहे होते हैं। फोकस ऑन टेस्टिंग एंड ग्रेडिंग, इसमें फोकस किया जाता है, टेस्टिंग सिस्टम ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिए जाते हैं और बच्चों को ग्रेड्स भी दिए जाते हैं उसकी बेस पे। इसमें टीचर के जो कंट्रोल होता है क्लास पे वो बहुत ज्यादा होता है और पावर भी होती है उसके पास कि वो कंट्रोल कर लेता है, मुनज्जम बना लेता है क्लास को। यानी उसकी कोशिश होती है कि उसके उसका ध्यान पूरी क्लास पे होता है, वो चाहता है कि हर बच्चा इन्वॉल्व हो, मेरी बात पे ध्यान दे। स्टूडेंट वर्क अलोन, अकेले बच्चा काम करता है क्योंकि इसमें एक्टिविटीज होती नहीं है, ग्रुप वर्क या पेयर वर्क तो नहीं होगा, तो फिर बच्चा अकेला ही काम करेगा और बच्चे थोड़े से पैसिव हो जाएंगे। जब वो अकेले काम करेंगे तो बच्चे पैसिव हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, और जब वो सुस्त होंगे तो डेफिनेटली वो फिर क्या फील करेंगे, वो बोरिंग फील करेंगे। टीचर टॉक, स्टूडेंट लिसन, स्टूडेंट ज़्यादा देर लिसन नहीं कर सकता। वैसे भी रिसर्च कहती है कि आफ्टर 15 मिनट हर एक हेल्दी पर्सन जो है उसकी कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। जब उसकी कंसंट्रेशन लूज हो जाएगी तो उसको कोई ना कोई एक्टिविटी देनी पड़ेगी, जब एक्टिविटी नहीं देंगे तो फिर वो बोरिंग फील करेगा और अपनी कंसंट्रेशन को लूज कर देगा, ठीक है। इसलिए ये वाला जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है यहाँ पर ये एक वीक है, वीक पॉइंट है ये वाला कि इसमें बच्चे क्या फील करते हैं, बोरिंग फील करते हैं। फोकस इज ऑन इंस्ट्रक्टर, इसमें इंस्ट्रक्टर पे फोकस किया जाता है, यानी जितना फोकस होगा इंस्ट्रक्टर पे होगा, लर्नर पे फोकस नहीं होगा। और डिसिप्लिन बहुत आइडियल होता है इस मेथड में, क्योंकि इसमें जो टीचर है वो ऑल इन ऑल होता है, वो अथॉरिटी वाला होता है, वो पावर वाला होता है, वो कंट्रोल वाला होता है, तो इसलिए क्लास मुनज्जम होती है और बाकायदगी से हर चीज को लर्न कर रही होती है, सुन रही होती है। इसमें डिसिप्लिन बरकरार रहता है क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सर्व किया जाता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सेंटर्ड अप्रोच है ना, टीचर सेंटर्ड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें ज्यादा बच्चों को सर्व किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।